अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आज आपके 23 अप्रैल दिन मंगलवार हो चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों डबल वेन से आज कोई अपडेट्स आ सकती है। देखिए उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का पहले ये है कि दोस्तों आज आपकी फेज 3 की आज वोटिंग होने वाली है यूपी में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों काफी जगह वोटिंग होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग वोट जरूर करिएगा। आपके अगर वोटिंग आज हो रही है तो दोस्तों आपको वोट करना है, तो 23 अप्रैल तो आज वोटिंग भी होनी है। तो उसके बाद दोस्तों अपडेट लेंगे क्योंकि वोटिंग बहुत जरूरी होता है दोस्तों आप लोग के लिए। तो चलिए अब बात होती है कि डबल पेन से दोस्तों क्या कोई अपडेट आ सकती है। दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि आज वोट डलने हैं यूपी में, तो दोस्तों आज अपडेट आना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। लेकिन आप लोग ने सुना था कि जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि एक अनऑफिशियल न्यूज है जिसमें 24 अप्रैल को सरकार डबल बेंच जा सकती है। तो दोस्तों हमने पहले भी कहा था कि ये एक अनऑफिशियल न्यूज है, अभी तक इसकी दोस्तों कोई पुष्टि नहीं हुई कि सरकार जा रही है या नहीं। देखिए इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। इसका रीजन दोस्तों ये कि आज 23 तारीख हो चुकी है, तो कल ही 24 तारीख है, तो क्या कल तक केस लिस्टेड किया जा सकता है? तो दोस्तों हो भी सकता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि क्योंकि आज एक वोटिंग है आपकी, तो सरकार चाहेगी कि आज के वोट हो जाए उसके बाद थोड़ा सा लेट करा जाए। या 29 अप्रैल को भी दोस्तों फेज 4 की वोटिंग होने वाली है, ठीक है। जो आपका फेज 4 होने वाला है वो 29 अप्रैल को होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा दोस्तों? फेज 4। तो दोस्तों आप लोग की कंटिन्यूसली वोटिंग होने वाली, तो दोस्तों इसके वजह से आपका देरी हो रहा है, नहीं तो अपन दोस्तों आपका केस डबल बेंच में लिस्टेड हो जाता। दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सरकार आखिर इतनी देरी क्यों कर रही है, क्या डबल बेंच जाने तो कोई खतरा या कोई ऐसा हो जाता है क्या कुछ? मतलब आपके मन में दोस्तों कुछ ना कुछ सवाल उठ रहे होंगे, सभी बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, आखिर सरकार अगर डबल बेंच चली गई तो होगा क्या? दोस्तों ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्योंकि काफी दिन से सरकार इतना वेट करा रही है। आपको 29 मार्च को आपका दोस्तों फैसला आ चुका था या कोर्ट का ऑर्डर रिलीज कर दिया गया था, तो अब तक क्यों? अब बहुत ज़्यादा दिन हो रहा दोस्तों, क्योंकि देखिए आज 23 अप्रैल हो चुकी है दोस्तों, अब बस कुछ ही दिन बचे जब 29 अप्रैल तक भी हम पहुँच जाएंगे, मतलब बिल्कुल एक महीना दोस्तों हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा समय होता है दोस्तों, जो बच्चे चाहते थे जल्द से जल्द नौकरी लगना, और जिन बच्चों को दोस्तों उम्मीद थी कि फरवरी माह के अंत तक नौकरी लग जाएगी, तो दोस्तों अब तो आपका अप्रैल भी ख़त्म होने को आ गया दोस्तों, अभी तक तो आपका मामला डबल बेंच भी नहीं पहुँचा। तो आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, जो बच्चे चाहते हैं कि रिजल्ट की कोई अपडेट, तो दोस्तों उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि अगर सरकार डबल बेंच जाती ही ना तो क्या होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपके मन में सवाल और आ रहा होगा कि अगर सरकार डबल बेंच नहीं जाती और आपका कोर्ट का आदेश है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 3 माह में समाप्त करने का, ठीक है, 3 माह टाइम दिया गया दोस्तों, ये आपकी डेडलाइन है, तो 3 माह के अंदर क्या दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया हो सकती है क्या? अगर सरकार दोस्तों अगर डबल बेंच जाती ही नहीं तो आपका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों रिजल्ट तब रुक सकता है जब डबल बेंच का कोई स्टे ऑर्डर आएगा कि हाँ अब रिजल्ट नहीं आगे आना है, तो ही दोस्तों एक ही कंडीशन में दोस्तों आपका रिजल्ट रोका जा सकता है, नहीं तो फिलहाल रिजल्ट रोकने का कोई दोस्तों यहाँ मतलब नहीं बनता है। जो ये रिजल्ट रुका है इसको जारी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर रिजल्ट जारी होगा तो काफ़ी बच्चों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था अगर ये रिजल्ट 40 और 45 कट ऑफ पर जारी हो जाता है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों इसमें जो बच्चे 70 नंबर ला रहे होंगे आज के डेट में सुपर टेट में, तो वो बच्चे पास का रिजल्ट उनके सामने शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में क्या ये रिजल्ट 60 और 65 हो सकता है, फिर इस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि एक बार जो बच्चा पास हो गया दोस्तों वो बच्चा दोबारा फेल कैसे हो सकता है? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा कि जो बच्चा आज पास है वो कल फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने तो ये पढ़ा होगा ना कि आज हाई स्कूल में आप पास हो चुके हैं, कल ये कोई खबर बन जाए कि आपके हाई स्कूल की पासिंग मार्क चेंज कर दी गई है, जो पहले 33 होती थी आज वो 63 हो गई है, तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हम कह रहे हैं अगर ये रिजल्ट 40-45 पर जारी होता है तो ये रिजल्ट 40 और 45 बनकर ही रह जाएगा, इसीलिए रिजल्ट आने में दोस्तों देरी हो रही है। जिन बच्चों का सवाल था कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो वो उन बच्चों के लिए ये बड़ी खबर है, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आ जाएगा उस पर स्टेबिलिटी होगी दोस्तों, बार बार रिजल्ट बदले नहीं करते कि जो बच्चा आज पास हो जा रहा है वो कल फेल हो जाए, तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा लंबा इंतजार भी हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों की जो वोटिंग फेज 3 और फेज 4 है, देखिए फेज 4 आपको वोटिंग जैसा हमने दोस्तों बताया कि 29 अप्रैल एक्सपेक्टेड डेट है या इस डेट में होगी 29 अप्रैल को। तो दोस्तों अगर 29 अप्रैल को वोटिंग होने वाली, क्या सरकार फिर डबल बेंच के लिए 29 अप्रैल तक हम वेट करें? एक सवाल दोस्तों आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सरकार
क्या लॉस सहेगी, मतलब दोस्तों उनका तो नुकसान होना है कि अगर चुनाव से पहले सरकार इस भर्ती में कुछ भी स्टेप लेती है दोस्तों जो शिक्षा मित्रों के खिलाफ होगा, तो उनको नुकसान तो सहना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 101% दोस्तों दिया, 200% दोस्तों को नुकसान सहना पड़ेगा। उन बच्चों से दोस्तों वोट बिल्कुल कट जाएंगे जो एक शिक्षा मित्र होंगे, और एक बच्चे दोस्तों जो फेल हो चुके होंगे इस भर्ती प्रक्रिया में, या जिनके 90 अंक से कम होंगे, 90 से कम नंबर वाले दोस्तों, उससे सरकार को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे आज 89 नंबर पा चुके हैं वो बच्चे पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो जाएंगे अगर ये कट ऑफ आपकी 60-65 होती है। तो दोस्तों उन बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, अगर वो बच्चे जो आज 89 नंबर ला के पास है 40 और 45 कट ऑफ में, लेकिन दोस्तों कल ये कट ऑफ आपकी 60-65 होगी, तो आपको फेल होना पड़ेगा और आपको अगली भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको एक लंबा समय खींचेगा। तो जिन बच्चों की उम्मीदें दोस्तों, काफ़ी बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी, लेकिन इस अगर दोस्तों ऐसी कोई कट ऑफ बनती है तो फिर से दोस्तों वही होगा आपका 68,500 वाली भर्ती का, मतलब जितनी सीट रहेंगी दोस्तों उस सीट से भी कम बच्चे पास होंगे, तो दोस्तों हर एक बच्चे को नौकरी लगेगी। जो बच्चा पास हो जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में, सबको दोस्तों नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें देखिए बच्चों का तो फायदा होगा, जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं सुपर टेट में उनको दोस्तों एक अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप फिर आपके मन में बात आता है कि यार हमने यूपी टेट में तो 120 नंबर लाए थे और सुपर टेट में सिर्फ 100 नंबर लाए, तो क्या सर हमारा नहीं होगा? देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था जो यूपी टेट होता है या सी टेट होता है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, या मतलब जो भी पासिंग मार्क हो आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, यूपी टेट का पेपर था तो आपको 90 नंबर चाहिए होंगे, ओबीसी एससी और एसटी के लिए आते दोस्तों आपको 82 नंबर चाहिए होंगे, तो उससे दोस्तों कोई मतलब नहीं होता कि आपने यूपी टेट में 120 नंबर या 130 या 140 नंबर ले आए। लेकिन दोस्तों फर्क यहाँ से पड़ेगा, अगर आपने सुपर टेट में 120 नंबर लाए तो दोस्तों वो ज़्यादा होता है और 90 नंबर वाले बच्चे कम होते। देखिए इसमें ऐसा नहीं 90 और 120 वालों में से दोस्तों, मतलब इसका नंबर भी जोड़ा जा रहा है ना, तो जैसे अगर 120 नंबर ला रहे तो आपको इसका 60% आपको फायदा मिलेगा, तो 160% निकालते हैं दोस्तों, 1060 क्या 15 × 15 = 60 और 12 × 4 होता है दोस्तों 48। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर जो 48 अंक शो हो रहा है ना, ये 48 गुणांक है। तो दोस्तों आप लोग अगर एक बार 48 गुणांक बना लेंगे तो आपके एकेडमिक जितनी भी कमजोर क्यों ना हो तो वहां से आपको दोस्तों फायदा मिल जाएगा। जिन बच्चों के दोस्तों 48 अंक गुणांक इस बार आ रहे होंगे तो उन्होंने जो पिछले समय में 70% भी हर बार लाए होंगे, 70 और 70 हाई स्कूल, 70 इंटर दोस्तों, 70 ग्रेजुएशन और 90% BTC। देखिए दोस्तों आपको सोच रहे होंगे क्या BTC में 90% लाना पॉसिबल है? देखिए BTC में पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन B.ed में भले ना हो, लेकिन BTC में 90 नंबर आते तो मतलब 7, 7, 14, 7, 21, 9, 30 होता दोस्तों 10% के हिसाब से देखा जाए, तो आपके 30 अंक गुणांक क्या बनते हैं। और आपने दोस्तों जैसा हमने देखा कि 12 × 48 दोस्तों 48 नंबर आपने लिखित परीक्षा या जो आपको सुपर टेट हुआ था वहाँ से आपने लाए थे, 30 और जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 4 = 7, तो दोस्तों यहाँ बनते हैं आपके 78 नंबर। तो जिन बच्चों के 78 गुणांक बनेंगे तो वो आसानी से अपना जिला पा सकते हैं दोस्तों। देखिए जनरल कैटेगरी में 78 में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपके 48 गुणांक बनते हैं तो आपको दोस्तों देखिए मुश्किल रहेगा कि आपको अपना जिला मिलना है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि हाँ हम बाहर कोई और जिला लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों 200% जो भी जिला चाहेंगे दोस्तों वो पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए 78 नंबर में आपको प्रयागराज लखनऊ जैसे जिला पाना मुश्किल होगा, और सिटीज में दोस्तों आप लोग आसानी से चयनित हो जाएंगे, तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप प्रयागराज या इलाहाबाद के रहने वाले तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो कि घर से दूर जाके नौकरी लगेगी, लेकिन दोस्तों देखिए इस समय जरूरी यह है कि आपकी नौकरी लग जाए। तो आपके मन में दोस्तों एक और डाउट आ रहा था जो आप लोग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसको देखते हैं कि अगर सर हमारे दो बच्चों के नंबर सेम हो जाते हैं, 70 नंबर मेरे हैं 70 नंबर, देखिए बात क्या थी कहने की, एक बच्चे ने कहा सर 70 नंबर मेरे जनरल से हैं और एक बच्चे ने कहा 70 नंबर सर मेरे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो क्या किसको नौकरी मिलेगी? देखिए दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर ये देखा जाएगा किस कैटेगरी की सीट बची हुई है, अगर दोस्तों वो सीट जनरल की होगी तो डेफिनेटली दोस्तों वो सीट जनरल के हाथ में जाएगी, और अगर वो ओबीसी की होगी तो वो ओबीसी के बच्चे को ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर सबको पता है दोस्तों कि ओबीसी के बच्चे जनरल की सीट ले सकते हैं, लेकिन जनरल के बच्चे दोस्तों ओबीसी की सीट नहीं ले सकते, मतलब ये जनरल के बच्चे दोस्तों अगर चाहेंगे ओबीसी की सीट में नौकरी पाना तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन दोस्तों ओबीसी बच्चे चाहेंगे जनरल में नौकरी पाना ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक,
तो दोस्तों देखिए जिसकी सीट होगी उनको नौकरी मिलेगी। देखिए आप लोग अपने सवाल पूछते रहिए, तो हम दोस्तों आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी अपडेट्स के साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी बड़ी खबर होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों देखिए आप ही लोग के लिए ये वीडियो बनाई जाती है कि आप तक पहुंचे और अधिक से अधिक वीडियो पहुंचे दोस्तों, और सही से सही वीडियो पहुंचे, क्योंकि आप लोग काफी परेशान है हमें पता है। काफी बच्चों के दोस्तों में मैसेजेस आ चुके हैं कि सर हम काफी टेंशन में और डिप्रेशन में। देखिए दोस्तों आप लोग को इस समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी देखिए समय लगेगा, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। आप इस भर्ती परीक्षा का पर डे इंतजार मत करिए कि पल पल। दोस्तों देखिए जितना ज्यादा इंतजार करेंगे उतना ज्यादा आपका सिर में दर्द होगा, तो अभी आपको थोड़ा सा समय देना होगा शिक्षक भर्ती को। और भी कोई अपडेट्स आती है दोस्तों तो हम अपडेट्स लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अगर दिन हो गई हो तो गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे।